जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द लिब्रा साइन, यानी कि तुला राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, करियर की, एंड इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग फॉर ऑल द लिब्रा पीपल और देखते हैं कि ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। पहले लव लाइफ की बात कर लेते हैं। ओके लिब्रा पीपल, इट्स अबाउट होल्डिंग इमोशंस। कहीं ना कहीं अच्छा, कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं न्यू लव, इट्स अबाउट न्यू। कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैसेज फ्रॉम समबडी, मल्टीपल यू नो लाइक स्टोरीज आई एम गेटिंग हियर। कुछ लोग दे आर यू नो होल्डिंग इमोशंस बिकॉज वो मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हो सकती हैं फॉर ऑल द लिब्रा पीपल। मान लीजिए आप सिंगल हैं, सो हो सकता है कि आप यू नो यू आर फोकस्ड ऑन योर मनी राइट नाउ, और कुछ लोग हैं कि न्यू लव का वेट कर रहे हैं। सो या इट्स अबाउट दैट। अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज समबडी न्यू ऑल्सो आई एम गेटिंग, कोई न्यू हो सकता है पास्ट में किसी रिलेशनशिप में से ऑलरेडी निकल के आ चुके हैं, दिस इज़ अ न्यू पर्सन, और किसी के साथ डील अगर कर रहे हैं देन एक अट्रैक्शन है आप लोगों के बीच में, और ये जो पर्सन है दे आर लाइक क्वीन, ठीक है, और कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड दे वॉन्ट टू कम टू वर्ड यू, दे वॉन्ट टू यू नो मीट यू, या हो सकता है आपसे मिलना चाहते हों, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एंड हो सकता है ये जो पर्सन है दे वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग विद यू बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड टू यू, दे आर फैसिनेटेड टू यू। आउटकम क्या है? स्टिल देयर इज लाइक कुछ पास्ट एनर्जी, मे बी आई एम सॉर्ट लाइक थिंकिंग अबाउट यू नो बिट्रेयल, हो सकता है अभी आप पास्ट एनर्जी से निकल नहीं पाए हैं, सॉर्ट ऑफ बिट्रेयल। और टेन ऑफ सोर्ड्स, इट्स अबाउट समबडी इज़ ब्रोकन। अभी भी आप पुरानी चीज़ों के बारे में शायद सोच रहे हैं, या कहीं ना कहीं अंदर से यू नो ये चीज़ें आप सेंस करते हो। बट अगेन आई एम गेटिंग कि कुछ लोग अभी मनी पे फोकस कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हालांकि परफेक्ट कनेक्शंस आपके अराउंड हो सकते हैं, और हो सकता है कि कोई यू नो सम लाइक आप किसी पे ट्रस्ट ना कर पा रहे हों, लिब्रा पीपल के लिए ये भी हो सकता है। लाइक इट्स अबाउट कि आप किसी को वो कप ऑफ लव देना चाहते हैं बट रिजिस्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये जो बिट्रेयल वाली एनर्जी है ये धीरे धीरे यू नो निकलेगी। चलिए नाउ लेट्स पुल सम कार्ड्स, सॉरी लेट्स टॉक अबाउट योर करियर फॉर ऑल द लिब्रा पीपल। करियर वाइज, ओके आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मे बी अ कॉल, मे बी अ मैसेज, एंड यू आर गेटिंग दैट, एंड इट्स अबाउट लाइक न्यू, समथिंग न्यू इज कमिंग। एसेस फॉर लिब्रा पीपल, आई थिंक इट्स एवरीथिंग न्यू, कुछ ना कुछ नया हो रहा है आपकी लाइफ में, एंड यू आर मैनिफेस्टिंग। और काम आप चाहते हैं कि यू नो अपनी लाइक काम में आप फोकस्ड रहें, और मनी वाइज भी न्यू अपॉर्चुनिटीज आएँ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो आ रही हैं। और येस इट्स अबाउट अ पोजिशन, मे बी समबडी लाइक कोई फीमेल हो, आपके बॉस हो, एंड यू आर यू नो लाइक वेटिंग टू हियर फ्रॉम देम, तो वो चीज़ हो सकती है। लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फॉर ऑल यू पीपल? बैलेंस योर सेल्फ, ठीक है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, एंड जगल मत कीजिए। इट्स अबाउट कि इट्स अ ब्रेक थ्रू पीरियड फॉर यू, सो फोकस्ड रहिए, नई नई चीज़ें आ रही हैं, बस अपने आप को बैलेंस रखिए बिकॉज न्यू एनर्जी है आपके अराउंड, वी हैव द सोर्स, और ये चीज़ येस अवेयरनेस, यू आर मूविंग अहेड, तो कोई ना कोई न्यू एनर्जी आपके अराउंड ज़रूर है। सो आपको उस एनर्जी को फील करना है, उसमें टैप इन करना है, उसको यू नो लाइक अपने अराउंड जो भी चीज़ें चल रही हैं फोकस कीजिए कि क्या आपके लिए अच्छा है। हो सकता है थोड़ा सा आपको भी इंतज़ार करना पड़ रहा हो, या इट्स अबाउट देयर, इट्स यू नो ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग, कोई है चैप्टर जो क्लोज होना है और कुछ नया बिगिन हो रहा है, तो इट टेक्स टाइम, थोड़ा टाइम लगता है ट्रांसफॉर्मेशन में, टाइम लगता है, तो वो चीज़ आपको सोचनी है। सो आउट ऑफ पेशेंस मत होइए और आगे बढ़ते जाइए, एंड डेफिनेटली यू विल यू नो
अपनी विक्ट्री ज़रूर जल्दी ही नज़दीक पाएंगे. सो दैट्स ऑल वी हैव. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर. बाय. अपना ख्याल रखिए.